आज का दिन है संडे और टाइम हुआ है 10:43। हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम इन यूएसए। कैसे हो आप लोग? आई होप एवरीवन इज़ डूइंग गुड। तो आज हमारा प्लान था शक्ति मंदिर जाने का, पर कल से ही मुझे लग रहा था, एक्चुअली 3-4 दिनों से, कि वीर की हेल्थ कुछ अच्छी नहीं है। थोड़ा थोड़ा सा, लेस बच्चे लोगों की आईज पानी पानी वाली हो जाती है ना, तो थोड़ी बहुत मेडिसिन दे रहे थे तो अच्छा था। पर आज सुबह उठे, कल रात से ही, और सुबह उठे ना तो उसको हल्का हल्का सा फीवर जैसा था। तो शक्ति मंदिर जाना मीन्स 3 to 4 आवर्स मिनिमम, तो फिर नहीं गए, बच्चा थक जाता है ना ऐसी हेल्थ अच्छी ना हो तो शक्ति मंदिर नहीं जाएंगे। तो पास में ही मंदिर है शिव दुर्गा का, वहाँ पे दर्शन करके आ जाएंगे। दर्शन करना मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, पर शक्ति मंदिर क्या, अम्बे माता का मंदिर है तो वहाँ पे जाके एक अलग सा ही फील आता है। पर कुछ नहीं, मंदिर दर्शन करके आ जाएंगे तो फटाफट से जाएंगे घर के पास में ही, 5 मिनट जाने में 5 मिनट आने में, वहाँ पे जितना टाइम लो उतना तो बहुत ही जल्दी हो जाएगा। तो मैंने सोचा एक अच्छा सा लंच बना ले जो बच्चे लोगों को भी पसंद आए, जैसे हम मंदिर में खा के आते हैं ना, तो उस तरह का बनाएंगे। तो यहाँ पे दाल मैंने प्रेशर कुक करने के लिए रख ली है, तूर की दाल। बाहर आई थी बैंगन लेने के लिए, तो मुझे सब्जियाँ बहुत अच्छी ब्यूटीफुल सी लग रही थी। तो यहाँ पे है ना गुआवा का ट्री भी है, छोटा सा एकदम, इस साल ही लाई थी मैं। तो गुआवा के जो लीव्स होते हैं ना, वो बहुत ही हेल्पफुल रहते हैं हमारे टीथ के लिए और हमारे हेयर के लिए। तो क्या करना है, एक फ्रेश लीफ ले लिया, उसको वॉश करके मुंह में सीधे चबाना है, जितना आप जूस एक्सट्रैक्ट कर सको उतना कर लो, फिर बाकी का पार्ट डिस्कार्ड कर दो। इससे क्या होता है ना, टीथ सब क्लीन हो जाएंगे एकदम, और हेयर के लिए बहुत अच्छा होता है। तो मैंने एक ले लिया, और मुझे याद आ गया अभी अभी कि मैं कुकर रख के आई हूँ तो घर में जाना पड़ेगा। तो प्रेशर कुक हो रही है और मैं आज बनाऊंगी आलू बैंगन की सब्ज़ी और टमाटो के साथ। तो ये सब्ज़ी हम छोटे थे ना, तो मेरी मम्मी बहुत बनाती थी। लाइक जो प्रेशर कुकर आता है ना, जिसमें 3 डब्बे होते हैं, तो एक में दाल रखती, एक में राइस रख दिया, और इस एक में आलू बैंगन और टमेटोज़ को प्रेशर कुकर ने बॉईल करने के लिए रख दिया। तो एक साथ में सब कुक हो जाएगा, फिर तड़का दे देंगे, दाल को भी अलग से तड़का और सब्ज़ी को भी। वैसे प्रेशर कुकर बहुत ज़्यादा यूज़ करना अच्छा नहीं होता, तो मैं इतना ज़्यादा प्रेशर कुकर रेगुलर सब्जीज के लिए बहुत ही कम यूज़ करती हूँ। दाल और ऐसी चीज़ों के लिए चाहिए तो वो इसमें कुक कर लेती हूँ। तो पटेटोज़ को यहाँ पर चॉप कर लिया है। बैंगन लेने गए पर मुझे आज एक ही मिला, तो मुझे थोड़ा सा फ्रोज़न बैंगन है मेरे पास, वो निकालना पड़ेगा। तो फ्रोज़न बैंगन और जो भी फ्रीज़र में डाला है ना, वो जल्दी जल्दी खा जाओ तो अच्छा है, तो यूज़ हो जाएगा अच्छे से। तो इसको मैं प्रेशर कुक तो नहीं करूँगी, पर इस तरह से स्टीम कर लूँगी। इससे क्या होता है ना, न्यूट्रिशंस इसके इतने ज़्यादा लॉस नहीं होते, और हेल्दी भी रहता है और इजी भी हो जाता है, और एक फ्लेवर भी आएगा। तो बहुत ज़्यादा नहीं, बस ये सॉफ्ट हो जाए तब तक ही पकाना, अराउंड 85 to 90%। और कई माय मॉम्स जनरेशन ऐसी है ना, कि जो लोग प्रेशर कुकर का बहुत यूज़ करते थे, आई थिंक अभी की जनरेशन को पता है कि प्रेशर कुक इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए। और हमारी दादी लोगों की जो जनरेशन थी, उन लोगों को प्रेशर कुक अवेलेबल इतना नहीं था, तो फिर वो लोग यूज़ नहीं करते थे। मुझे याद है मेरी दादी क्या करती थी, राइस कुक कर लिया, फिर एक्स्ट्रा पानी वो निकाल देती थी एंड में। जो स्टार्च वाला पानी होता है ना, वो हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता, तो वो निकाल देना चाहिए। तो उसी तरह से मैं कुक करती हूँ। मेरी मम्मी के जनरेशन वाले प्रेशर कुकर में राइस बनाने वाली जनरेशन है, आई थिंक नए नए प्रेशर कुकर आए होंगे उनके ज़माने में, तो बहुत यूज़ किया होगा। जैसे भी नई चीज़ आती है ना, तो ख़राब हो या अच्छी हो, हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ कर ही लेते हैं। जैसे नॉनस्टिक जब आया इंडिया में, तब स्टार्टिंग में सब लोगों ने कुछ सोचे समझे बिना बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहा। अभी सब लोग डर रहे हैं कि नॉनस्टिक से ये होता है, ये केमिकल जाता है, वो जाता है, तो यही होता है। जनरेशन, सभी जनरेशन की अलग अलग बातें होती हैं। तो यहाँ पे राइस थोड़ा सा ही बनाऊंगी, क्योंकि सब्जी पूरी बनाऊंगी आज, तो पूरी सब्जी दाल राइस सब हो जाएगा। और स्वीट में मैंने सोचा था पहले कि कुछ बना लूँ, फिर मुझे याद आया कि मैं फ्रीज़र में पड़ा है एक स्वीट वाला, मैं रसमलाई लाई थी सेल में, कुछ लगा था रिसेंटली ही, तो वो पैकेट बाकी है, तो वो निकाल लूँगी, तो एक पूरी डिश हो जाएगी हमारी। और इंडियन स्टोर कल भी नहीं गए थे और आज भी जाना बाकी है, तो इवनिंग तक चले जाएंगे मैं और हस्बैंड दोनों में से। तो टमेटोज बिल्कुल भी नहीं थे, बाहर तो ख़त्म हो गए हैं, तो फ्रीज़र में जो स्टोर किए उसी को निकल के आज यूज़ कर लूँगी। ये थोड़े से खट्टे लगते हैं पर अच्छा लगेगा।
ऑलमोस्ट कुक हो ही गए हैं, पटेटो सॉफ्ट हो जाए ना उतना ही। एग प्लांट तो एकदम इजीली, बैंगन तो बहुत इजीली कुक हो जाता है, जो फ्रेश वाले हो ना तो कुक हो ही जाता है। तो यहाँ पे मैं अच्छे से ऑयल में बनाऊंगी आज, क्योंकि थोड़ा सा बाहर वाला टेस्ट भी आना चाहिए। मस्टर्ड सीड्स और जीरा का तड़का लगाऊंगी, और करी पत्ता बाय डिफॉल्ट जाएगा, रेड चिली, और नो अनियन नो गार्लिक का फूड है आज। तो फिर यहाँ पे मैं सिर्फ जिंजर ग्रेट करके डाल दिया है, थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल देंगे यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पे चॉप किए हुए टमेटोज जाएंगे। टमेटो सॉफ्ट हो जाए उसके बाद जो स्टीम करके रखे हैं पोटैटो और एग प्लांट वो डाल देंगे। और उधर राइस भी मैंने रख दिए हैं, तो राइस कुक होने के लिए रेडी है। सब्जी भी ऑलमोस्ट रेडी ही हो जाएगी, और दाल को मुझे सिर्फ तड़का देना है। और मैं आज बनाऊंगी पूरी, मेथी वाली बनाऊंगी इस सब्जी के साथ। मेथी वाली पूरी या रोटी बना लो ना तो बहुत टेस्टी लगता है। तो थोड़ी सी मेथी भी अभी अभी फ्रेश लाऊंगी, थोड़ी सी ही चाहिए होगी, बहुत ज़्यादा नहीं। तो पोटैटोज थोड़े से कम लगे थे मुझे, जो अभी रेडी है, तो इसमें हमें डालना है थोड़ा सा बेसिक मसाले कर लेंगे। तो यहाँ पे रेड चिली पाउडर डाला, क्यूमिन कोरिएंडर पाउडर, हल्का सा गरम मसाला और सॉल्ट डाल दिया था, तो ऑलमोस्ट ये कुक हो गया है। तो यहाँ पे स्टेज पे डाल देंगे पटेटो और बैंगन, और इसे लो फ्लेम पे थोड़ी देर छोड़ देना है। बीच में थोड़ा सा मिक्स करते जाइए, और थोड़ा सा ज़्यादा स्पाइसी चाहिए तो गरम मसाला रेगुलर वाला डाल दीजिए, और ऊपर से हल्का सा गुड़, क्योंकि ये टमेटोज वैसे भी खट्टे हैं, खट्टे ना हो तो भी थोड़ा सा गुड़ डालेंगे ना तो बहुत यमी लगेगा। तो अच्छे से मिक्स होने देंगे, और ये सब्ज़ी बहुत टेस्टी लगती है और हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा खाई जाती है। तो अभी वेदर तो एकदम अच्छा है, बाहर एकदम वाइब्रेंट कलर्स दिख रहे हैं, एकदम वॉश किया हुआ ना, एकदम बिल्कुल वैसा लग रहा है। तो करी पत्ते, थोड़ी सी मेथी चाहिए, जो जो बाहर से चाहिए वही लेने आई थी। और ये प्लांट्स पे थोड़े से कलर्स भी आने स्टार्ट हो गए हैं, ये वाला है ना उस पे जो रेड कलर के लीव्स हो गए हैं ना, बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हैं। बाहर भी थोड़े बहुत होने लग गए हैं, तो अभी सभी जगह पे थोड़े थोड़े कलर्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो दाल मैं एकदम गुजराती स्टाइल की बनाऊंगी, तो दाल में मैंने सिर्फ हल्दी पाउडर सॉल्ट डाल के ही प्रेशर को किया था। इसमें जाएगी वरा की दाल का मसाला, जो मैंने रेसिपी ऑलरेडी शेयर की है, अराउंड 2 टेबल स्पून जितना डाल दिया। और यहाँ पे टमेटोज जाएगा चॉप्ड वाले, एक बिग साइज़ का टमेटोज डाल सकते हो। साथ में क्यूमिन कोरिएंडर पाउडर, सॉल्ट जाएगा, हल्दी पाउडर जाएगा, अच्छे से मिक्स कर लेना है। और मैं बॉईल प्रेशर कुक करते टाइम यहाँ पे पीनट्स डालना भूल गई थी, तो थोड़ी सी पीनट्स डाल दी रोस्टेड। और तड़का भी एकदम सिंपल लगेगा, मस्टर्ड सीड्स का तड़का लगेगा, मस्टर्ड सीड्स जाएगा, साथ में करी पत्ता जाएगा, और यहाँ पे अदरक में डालना भूल गई थी, तो थोड़ी सी अदरक, गार्लिक नहीं डालना है आज। तड़के में मैंने थोड़ा सा जीरा डाला है, साथ में रेड चिली, बेसिक सा तड़का, सभी चीज़ों में यही सेम ही जाता है ऑलमोस्ट। तो आज सुबह ही, सुबह के टाइम में अभी हमारा क्या होता है ना, बीच बीच में वीर के पास भी मैं जा रही हूँ, उसको कुछ भी हेल्थ अच्छी ना हो ना, कुछ भी अच्छा ना लग रहा हो ना, तो बहुत ज़्यादा मम्मी मम्मी हो जाता है। तो बीच बीच में उसको भी थोड़ा सा पैम्पर करके आ रही हूँ, और साथ में कुक भी करती जा रही हूँ। तो आज बाकी लोगों का कुछ प्लान नहीं था, ऐसे सोचा था ना मंदिर जाएंगे, तो कुछ प्लान नहीं किया था, पर नहीं जा पाए तो सब घर में ही है, तो अच्छा सा फैमिली टाइम स्पेंड हो जाएगा। बस बॉईल होने के बाद यहाँ पे मैं डालूँगी थोड़ा सा गुड़, यहाँ पे मैं कुछ खट्टापन दूसरा नहीं डालूँगी, क्योंकि मैंने चेरी टमाटो डाले हैं ना, वो अच्छे खासे खट्टे होते हैं। तो यहाँ पे मैंने व्हीट फ्लावर ले लिया है, पूरी के लिए मैं आटा लगा लूँगी, फिर गर्मा गर्म पूरियाँ बनाऊँगी जब खाना हो तब। और मसाला पूरी काइंड ऑफ बनाओगे तो इसको आप ब्रेकफास्ट में खाना चाहते हो ना कुछ टेस्टी सा, तो ये बहुत टेस्टी लगती है। तो क्यूमिन कोरिएंडर पाउडर डाल दिया, यहाँ पे थोड़ा सा हल्दी पाउडर, सॉल्ट डाला है, यहाँ पे थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर भी डाल सकते हो, तो बहुत टेस्टी लगता है। ऑयल डाल के सिंपल सा जब हम पूरी का आटा लगाते हैं उसी तरह से लगाएंगे, थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे, और उसके बाद यहाँ पे जाएगा अराउंड 1/2 कप जितना डाला है मैंने मेथी, 1/2 कप से थोड़ा सा कम है। बस इसको आटा लगाएंगे, और आटा को हमें बहुत सॉफ्ट नहीं लगाना है, थोड़ा सा हार्ड ही रखना है, पूरी का आटा वैसे भी थोड़ा सा हार्ड ही लगता है, और बहुत ज़्यादा गूंथना भी नहीं है, ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा गूंथ लिया और बहुत ज़्यादा ग्लूटिन फॉर्म हो गया तो पूरी है ना चुई हो जाएगी। कवर करके इसे 10 मिनट्स के लिए रोज रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे।
और उधर सब्जी को भी देख लेंगे। ये सब्जी थोड़ी सी बहुत ज़्यादा ग्रेवी वाली नहीं होती, इस तरह की ही होती है। सब्जी रेडी है, यम्मी सी, टेस्टी सी। तो अभी मैं लगाऊंगी प्लेट। तो राइस मैं ऑलवेज इस तरह से ड्रेनर में निकाल लेती हूँ, और पानी उसका स्टार्च वाला एक्स्ट्रा निकाल ही देती हूँ। मोस्ट ऑफ द टाइम खिचड़ी बनाओ ना तभी उसका जाता है इसमें। और आज फुल प्लेट एकदम परफेक्ट, पूरी सब्जी दाल राइस, साथ में क्यूकम्बर भी कट कर लिए, घर का पिकल निकाला है, और साथ में रसमलाई। ये पिकल की रेसिपी मैंने शेयर की थी, बहुत परफेक्ट बने थे और एकदम सही बने थे पिकल। तो वीर को थोड़ा सा ही खाना था, जैसे हेल्थ अच्छी ना हो ना तो मुंह का स्वाद थोड़ा सा खराब हो जाता है। तो कुछ पिज़्ज़ा या ऐसा कुछ ले आएंगे हस्बैंड, अभी तो मैं इसे खिलाऊंगी तो खाएगा, क्योंकि खाने का मन नहीं कर रहा हो ना तो अपने आप बोलो ना खाओ ना, तो फिर सिर्फ पूरी खाएगा और कुछ नहीं। तो सिर्फ मैंने 3 प्लेट्स लगाए, मैं और वीर शेयर करके खा लेंगे। तो बस मंदिर जाके आ गए थे, और आज कुछ किया नहीं क्लीनिंग का और कुछ नहीं। मैंने सोचा आज पूरा दिन ऐसे ही निकाल लेते, वैसे पूरा वीक होता है ना ये करो वो करो, तो आज बच्चे लोगों के साथ अच्छे से टाइम स्पेंड कर रहे हैं। वीर को अभी थोड़ा सा अच्छा लग रहा है क्योंकि मेडिसिन दी थी ना, तो थोड़ा सा फ्रेश हो गया है। तो संडे का लॉन्ड्री का होता है हमारा, एक लोड तो होता ही है टॉवल्स और सब चीज़ों का, तो वो ही मैं चेक करने आई थी। हो गया था ड्रायर, और मेरे वॉशर ड्रायर हैं बहुत पुराने हैं, लाइक अराउंड 11-12 में लिए थे शायद, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। और है ना, इसे एक भी बार रिपेयर करवाने के लिए भी किसी को बुलाना नहीं पड़ा, पता नहीं इतने अच्छे आए हैं ना कि चल ही रहे, तो जब तक चलेगा तब तक चलाएंगे। और अभी बॉल निकला ना, वो बॉल ड्रायर में डालना चाहिए, तो स्टैटिक करंट जैसा लगता है ना, कई बार कपड़े निकालते हैं ना तो एकदम स्टैटिक करंट जैसा लगता है पहनने के बाद भी। तो इस तरह के बॉल्स डाल देंगे ना ड्रायर में कपड़ों के साथ, तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो वॉशर ड्रायर का आजकल तो बहुत ही एकदम अच्छे अच्छे आते हैं ना, जो फ़ोन के साथ ऐप के साथ कनेक्ट हो जाए तो यूज़ कर सकते हैं, पर ये पुराने वाला है ना, तो पर होता है ना जो चीज़ इतनी चलती है कोई भी प्रॉब्लम नहीं दे रही, तो चलाओ जब तक चले तब तक। और हस्बैंड और गए हैं इंडियन स्टोर, टमेटोज नहीं थे ना मैंने बोला, तो एक दो चीज़ और भी ले आएंगे। वेदांत लगा है अपने स्कूल का कुछ असाइनमेंट सबमिट करने के लिए, और वीर हो रहा था बोर, उसे और कुछ करना नहीं था, तो हम लोग आ गए, कुछ गेम प्ले करेंगे, वो भी थोड़ा सा फ्रेश हो जाएगा, वरना टीवी या बुक लेके बैठ जाएगा तो फिर क्या होता है ना कि अच्छा फील ही ना हो, ऐसा हो कि सोने का मन कर जाए। तो अच्छा खासा हम लोगों ने प्ले किया, तो वो फ्रेश हो। तो इसी के साथ आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। पसंद आया है तो इसे लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।